नमस्कार दोस्तों, मैं गण भारती आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ऑनलाइन टेक में। और आज मैं आप लोगों के एक ख़ास वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसके बाद इंस्टॉल करते हो, तो वो आपके डायरेक्ट फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। तो आप उसे कैसे अपने SD कार्ड में या अपने इंटरनल स्टोरेज में उसे सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है माई ऐप शेयर। यहाँ पे ये लिख के आपको सर्च कर देना है। और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आती है माई ऐप शेयर नाम की। तो इसे क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। ये तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसे मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। और इसका मैं डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड नहीं करना है तो डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप ऐप के ही आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में और से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है जहाँ पे लिंक और APK लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे ही आप पे टैप करते हैं, इस पर ऐसे टैप करते हैं, स्लाइड करते हैं लेफ़्ट को, तो ये लिंक पे हो जाता है। और ये राइट को टैप करते हो तो APK पे चला जाता है। तो आपको क्या करना है, राइट पर टैप करना है और यहाँ से जो भी एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में सेव करनी है उसको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये लेजेंड है, तो यहाँ पे टिक मार्क किया मैंने और ऐसे शेयर के बटन पे क्लिक किया। तो ये जो एप्लीकेशन है हमारी, ये हमारे फ़ोन में सेव हो चुकी है और ये इंटरनल स्टोरेज में सेव हो चुकी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे इसे देखना है। तो ये जब आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज में सेव होगी तो यहाँ आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है। और यहाँ पे आने के बाद ऑल पे आओ, फिर यहाँ पे आपको माई ऐप शेयर का एक फ़ोल्डर दिखेगा। तो ये आ गया फोल्डर और यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ हो चुकी है हमारे फ़ोन के स्टोरेज में। तो दोस्तों, आप ऐसे ही गूगल प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उसे अपने फ़ोन मेमोरी में या SD कार्ड में ऐसे ही सेव कर सकते हो। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।